तो शुरू में हम लोग ट्रेडिंग करते थे, उसके बाद जब हमने कहा कि अब ट्रेडिंग मार्केट इतनी डेवलप नहीं हो रही है, फिर हम लोग ने अपना एक छोटा सा कमरा लेके अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग। तो हम तीन तीन चार चार दिन तक सोते नहीं थे जब हमारी शिपमेंट्स जानी होती थी। हमने जब अपना छोटे से रूम से स्टार्ट करने की सोचा तो ये हमारी फर्स्ट मशीन है। अच्छा। जो कि हमेशा हम अपने साथ ही रखते हैं। The most beneficial thing about leather goods is that they offer a great style and durability. Leather handbags are long-lasting and they give an elegance to your entire attire. You are watching Being Ghumakkar, मैं हूँ देवांजलि और मैं आई हूँ नोएडा के फेस टू अवीश ग्लोबल फैक्ट्री, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगी लेदर हैंडबैग्स किस तरह से तैयार होते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा, किस तरह से लेदर आने से लेकर डिस्पैच होने तक पूरा प्रोसेस क्या होता है एक लेदर हैंडबैग बनने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से बनते हैं लेदर हैंडबैग्स। The factory produced some of the best leather goods you can put your hands on. The texture, style and touch of the bags were mind-blowing. It was easy to listen to the steps that led to the making of a perfect bag, but the efficiency required in each step was something that you cannot imagine. Every process had minute detailing that was dealt with very carefully. Everything needed complete attention. Watching the people do their work with dedication and a certain rhythm was fascinating. From getting the raw materials to turning them into a perfect piece of accessory, the hard work could be seen everywhere. Sir, आपका नाम? मेरा नाम प्रभास चंद्र मिश्रा। आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे फैक्ट्री? हम 5 साल से हैं। अच्छा। तो ये जो materials आ रहे हैं, ये किस तरह के raw materials? नहीं, हमारे यहाँ फिनिश लेदर आता है। फिनिश लेदर कलकत्ता से हम मंगाते हैं, फाइन क्वालिटी की मंगाते हैं। समझे? और ये क्वालिटी हमने चेन्नई से मंगाता हूँ। हाँ, ये अलग अलग तरीके की आते हैं। यहाँ से उसके बाद यहाँ पे कटिंग होती है। कटिंग होने के बाद हमारी बैग बनते हैं, जैकेटें बनते हैं। ज़्यादातर परचेज हम कलकत्ता से ही करते हैं और चेन्नई से करते हैं। यहाँ फिनिश लेदर आता है, एनी कलर आता है। अच्छा, हाँ, कोई भी कलर, आप जो भी कलर आप कहेंगे वो कलर हमारे यहाँ तैयार हो जाता है। मेनली कोलकाता और चेन्नई से? चेन्नई से करते हैं। ये हमारे यहाँ ना फिनिश लेदर आता है डीडी में, उसके ऊपर हम ये फॉइल चढ़ाते हैं जिसे हम प्लास्टिक कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर हम फॉइल चढ़ाते हैं। ये स्नैक प्रिंट है, इसके ऊपर भी हम फॉइल चढ़ाते हैं जो प्लास्टिक होती है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद ये देखने में लेदर लुक ही मालूम पड़ता है। हाँ। ऐसा कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसमें क्या चढ़ा हुआ है। मालूम पड़ेगा कि ये बन के ही ऐसा ही आया हुआ है, में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जैसे ये देखो, ये स्नैक प्रिंट है। अच्छा। इसमें देखो चढ़ा हुआ है। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो इसको कुछ को पता नहीं चलेगा कि इस पर क्या है नहीं है। ये देखो, ये लेदर है, ये स्वेड लेदर है। हाँ, इसके ऊपर हमने स्नैक प्रिंट चढ़वाया है। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये हमारा क्रिंकल टाइप का है, ये भी हमने ना वही प्लास्टिक चढ़ाते हैं जिसे मालूम नहीं पड़ता है और रिंकल हो जाता है। ये टूटने के बाद ना ये रिंकल बन जाती है। और ये हमारा बीबिंग होता है, ये जिसको हम बुनाई कहते हैं, ये हैंड से बुनाई होती है। ये हैंड से बुनाई होती है, इसके ऊपर हमारी जो भी कलर होगा वो हम कलर करवा लेंगे। अच्छा। चाहे ग्रीन हो, ब्लू हो, रेड हो, ये हमारा कच्चा माल है। और तो ये ऐसे ही आता है यहाँ पे? नहीं, बुनाई के लिए नहीं, ये हम बुनाई यहाँ करवाते हैं।
ये ऐसा ही स्किन आता है, हाँ, उसके बाद हम ये बुनाई करवाते हैं हैंड से। लेकिन हम मंगाते हैं फिनिश लेदर, रॉ नहीं मंगाते हैं। अच्छा, रॉ नहीं मंगाते हैं, ब्लू नहीं मंगाते हैं, फिनिश लेदर मंगाते हैं। अच्छा, क्या क्या डिफरेंस क्या होता है सर? डिफरेंस होता है कि रॉ में ना वो कच्चा माल होता है, ब्लू जो है ना बिल्कुल कच्चा माल होता है। उस कच्चा माल को रखने के बाद यहाँ काफ़ी सारे बदबू होते हैं, इस वजह से हम कच्चा माल नहीं मंगाते। उसकी सिलेक्शन टेनरी वगैरह टेनरी में रहता है और उसमें बदबू आती है, उसकी सिलेक्शन जो है बड़ी टफ होती है, क्योंकि उसके ऊपर पाउडर डाल देते हैं, जो भी डिफेक्ट होता है वो पाउडर से ढक जाते हैं, तो मालूम नहीं पड़ता है। जब हम उसको वाश करते हैं, पानी डालते हैं, तो पाउडर हट जाता है, फिर उसकी डिफेक्ट मालूम पड़ता है। इसलिए हम ब्लू नहीं लेते हैं, रॉ नहीं लेते हैं, हम फिनिश लेदर लेते हैं। इसमें जो भी डिफेक्ट है वो सामने मुझे नज़र आ जाता है। सपोज दैट, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जैसे ये है इसकी, ये फिनिश लेदर आया हुआ है। अब इसमें देखो जो भी डिफेक्ट है वो मेरे सामने नज़र आ रहा है, इसकी स्किन में डिफेक्ट है। अब देखो जैसे ये देखो, ये डिफेक्ट सारे हैं, ये सारे नज़र आ रहे हैं। अब इसके ऊपर अगर हम पाउडर डाल देते हैं तो ये डिफेक्ट ढक जाएगा, फिर मुझे मालूम नहीं पड़ेगा रॉ में। इसलिए हम फिनिश मंगाते हैं, फिनिश में हम सारे डिफेक्ट को सामने ले आते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बल्क में आता है जो बल्क में आता है मटेरियल, पहले हम अप्रूवल स्किन मंगा लेते हैं। अच्छा। 5, 10, 20 उसको देख लेते हैं कि ये स्किन कैसी है, इसकी लुक कैसा है, इसकी फील कैसी है। अगर मुझे वो पसंद आ गया तो फिर हम उसको बल्क में मंगाते हैं। सैंपल टेस्टिंग करने के बाद फिर आप बल्क में मंगाते हैं। लेदर फैक्ट्री में आने से पहले, जब बल्क में आने से पहले उसकी सैम्पलिंग होती है, तो सैम्पलिंग का ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसके बारे में हमें बताएंगे। सर आपका नाम? साहिल। साहिल जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं? मैम ऐसा है, जो है जो भी हमारा पीस होता है तो पहले उसका ना स्केच बनता है कंप्यूटर से, ये स्केचेस होती है, डिज़ाइनर बनाता है, इसकी टोटल डिटेल होती है पार्ट वाइज, जैसे कि ये पल्ला हो गया, साइड हो गई, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इस टाइप का पैटर्न कटता है यहाँ पे, बॉडीज़ का हो गया, साइड का हो गया, सब काटने के बाद फिर हमारा अगला प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो ये उससे लेदर कटिंग करते हैं और इस टाइप का पीस बनाते हैं, जैसे ये फिर कंप्लीट होता है। जी जी, डिज़ाइनिंग मतलब यहीं पे होती है बैग? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे कैसे करना है, कौन सा डिज़ाइन है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या चेंजेस है, सारी चीज़ें टोटली चीज़ असेंबली यहीं पे ही है। जी जी, मतलब फाइनल वो कौन देता है, फाइनल से इसका किसके पास होता है कि अप्रूव कर दे डिज़ाइन फाइनल है? ये हमारे मर्चेंट है मिस्टर अली, जो ऊपर दूसरे डिपार्टमेंट बैठते हैं, तो वो देखते हैं इस चीज़ को। जी, हमारे पास आएगा ये हो करके, हम इसे कट करेंगे, पीस बनाएंगे, फिर यहाँ से जाके उनके पास जाएगा जो मर्चेंडाइज़र है यहाँ के, वो इसे अप्रूव करेंगे कि ओके है या नहीं है, उसके बाद अगला प्रोसेस है। जी, लेदर की क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद जब फाइनलाइज हो जाता है कि किस मटेरियल से अब आगे बैग्स बनने हैं, उसके बाद ये ट्रिम स्टोर है, यहाँ पे बाकी की चीज़ें लेदर के साथ असेंबल करते हैं आगे बनने के लिए जब वो जाता है उससे पहले। तो अभी हमारे साथ सर, आपका नाम? आमिर खान। आमिर जी हैं जो बताएंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो कलेक्ट करते हैं एक बैग बनने के लिए। मैम इसमें एक बैग बनने के लिए बहुत सारे ट्रिम्स लगते हैं, जैसे कि मिड बार एडजस्टर, डी रिंग, पुलर। क्या होता है ये डी रिंग है मैम? अच्छा। इसमें लगता है, हाँ, ये जो है इसमें ये फंसा रहता है आदमी को शोल्डर टांगने के लिए, ये लंबा हैंडल होती है, जैसे ये इसमें ये हैंडल है, आपको ये शोल्डर हैंडल नहीं टांगना है तो इसमें हाथ में लेके भी आप जा सकती है। अच्छा, तो ये अलग से यहाँ पे ही? ये अलग है। हाँ। ये हमारा अलग है। हाँ। ये हमारा जीपर है, गन मेटल, ये सब कुछ यहाँ पे मिलता है, सब चीज़ यहीं से इशू होता है, लेदर बंडल कटिंग यहाँ से होती है, बाकी मटेरियल जो सारे ट्रिम्स यही इसी स्टोर से इशू होती है। बैग बनने के लिए उसके बाद फिनिशिंग में जाती है कलर वलर में, उसके बाद ओके हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके की रिंग्स, चेन्स, बहुत सारा सामान दिख रहा है, ये क्या क्या है आमिर जी? ये मैम ये पुलर है, ये जो बैग के अंदर लगती है, छोटी पुलर है, 3 नंबर, ये 5 नंबर है, ये जो चेन होता है ना जिप, हाँ, जो चेन लगती है ये अंदर लगती है इसके अंदर। अच्छा, छोटा सा वाला वो है, ये रैलिंग में लगती है ये, और ये बड़ा है, ये मेटल है, 5 नंबर, ये जो हमारे बैग के ऊपर लगी है, ये सामने फ्रंट बैग पे लगी है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा वाला बड़ी चेन में जो लगता है इसको क्या हाँ, बोलते हैं? पुलर, पुलर, मेटल पुलर बोलते हैं। अच्छा, और क्या क्या है? और ये देखिए मैम डॉग हुक है जो हमारे बैग में लगा है, वो साइड में जो लगता है, साइड में जो लगी है, और वो उसका देखिए ये डी रिंग है,
जो साइड में लगी है, ये डी रिंग बोलते हैं इसको, इसको मैम बक्कल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डंडी वाला टाई पुलर बोलते हैं इसको, टाई पुलर अच्छा। ये मैम बक्कल है इसका। अच्छा। ये बैग में हमारे सारे सामान वामान लगते हैं। हाँ। बाकी जीप उप है मैम यहाँ पे लगते हैं, जो हम लोग बैग में लगाते हैं ये सब जीप है। जीप का नाम है अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग कलर के। तो ये अलग बाहर से आते हैं या यहीं पे तैयार होती हैं ये सारी चीज़ें? ये बाहर से आती है, बाहर से आती है। अच्छा। तो ये कैसे फिर डिसाइड कैसे होता है कि बैग के साथ ये सही जा रहा है तो ये लगाना है, मतलब वो? क्योंकि हमारे पास ना इसका एक सिंपल आता है। अच्छा। जैसे वो सिंपल आया, अब हमें कितना 100 पीस का है तो उसको हम लोग नाप के डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद उसे हम नाप के देते हैं इसी से। जितना उसका लगा 10 पीस में तो कितना लगा उसमें, तो यहाँ से नाप के उसमें हम देते हैं, वो कारीगर को वो अपना बना देता है। अच्छा। बाकी जो स्टॉक में हम अपने पास रखते हैं। अच्छा ठीक है सर। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? और ये है मैम नंदा है, ये क्या है? ये बैकिंग है, जो बैग के ऊपर लगती है उसको हार्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग होने के लिए, जो खड़ा होता है ये भी लगता है। ये फ्यूजिंग है, ये जैसे कि लेदर में लगती है इससे, ये भी लेदर में पेस्ट होता है। हाँ, ये वाटर प्रूफ है, ये हमारा लूपी उपी हैंडल उंडल में लगता है मैम। अच्छा। हाँ, सारी बैग में लगती है। सारे ये सारे यहाँ जितने आइटम हैं सारे, ये जैसे कि ये रबड़ सीट हो गया, ये रबड़ सीट है, ये भी लगती है। जैसे नीचे बॉटम है तल्ला में, वो भी लगती है। ये खाकी पेपर वो कलर वालों को दिया जाता है, ये वाइट गत्ता है, इससे मास्टर लोग पैटर्न काटते हैं लेके। अच्छा। हाँ, ये मैम ये बैग का जो है ना, ये लॉक है, इसको हम लोग बोलते हैं निकल है ना, इसको हम लोग टन लॉक बोलते हैं, इसको हम लोग पुश लॉक बोलते हैं, इसको भी हम लोग टन लॉक और पुश लॉक है, जो हमारे बैग में लगते हैं। ये छोटे छोटे वॉलेट रहते हैं तो उसमें सो के लिए सामने फ्रंट में लगती है। हाँ, तो पंकज जी अभी ट्रिम स्टोर में हमने देख लिया क्या क्या सामान होता है, अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है? ट्रिम स्टोर में फिटिंग कलेक्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर आते हैं अपने जगह पे, अपने टेबल्स पे, फिर वो फिटिंग्स को मिलाते हैं बैग। अच्छा। सैंपल के आधार पे सैंपल्स पे मिलाते हैं, फिर वो सैंपल को फाइनलाइज करते हैं। ये यहाँ पे कटिंग वाला प्रोसेस होता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ फाइनल कटिंग की प्रोसेस होती है। अच्छा। बैग्स की। अच्छा। ये जैसे बैग हैं ये। हाँ। फाइनल कटिंग्स होंगे। हाँ। अब ये बैग बनाएंगे। अच्छा। पैटर्न फॉलो करेंगे। कहाँ पे पता चलता है कि किस डिज़ाइन में बनना है? डिजाइन हमारा जो मर्चेंट है वो फाइनल करते हैं, डिजाइनर फाइनल करते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो सैंपल है इनको दिया जाता है, ये प्रोडक्शंस के। अच्छा। ये लोग यहाँ फाइनल करते हैं सैंपल के हिसाब से, ये लोग पीस बनाएंगे, यहाँ आगे बनाएंगे। अच्छा। ये लोग कर रहे हैं, ऐसे सिलाई कर रहे हैं। ये पैटर्न है, ये पैटर्न रखेंगे किस साइज का है, जैसे ये बैग बन रहा है, इसके पैटर्न है, इस कटिंग को फाइनल कर रहे हैं। अच्छा, उसके हिसाब से ही कटिंग करेंगे, यानी पूरी फुल मेजरमेंट के साथ पीस बनती है, जितनी मेजरमेंट होती है उस हिसाब से पीस बनती है। तो ये डिजाइन क्लाइंट की तरफ से आते हैं? हाँ, डिजाइन क्लाइंट की तरफ से आते हैं। चेन्स वगैरह सब कुछ ट्रिम स्टोर से लाकर यहाँ पे रखा जाता है। हाँ, ये उन लोगों को जैसे ये बैग है, बैग जितने भी ट्रिम्स लगेंगे, जो भी लगेंगे बनने में, सारा यहाँ दिए गए हुए हैं, ये फॉलो होंगे। ये कलर वाइज, जैसे ये दो कलर में, यहाँ पे एक दो कलर में देखने को मिलेगा आपको, एक ये कलर है, एक ये कलर है, दोनों कलर में जो ट्रिम्स लगेंगे कलर वाइज मैचिंग के जीपर्स ये इन लोगों को दिए जाते हैं, तब जाके बैग तैयार करते हैं ये लोग, यानी फाइनल स्टेज पे। मतलब मेकिंग प्रोसेस में। तो उस तरफ बड़े बैग भी तैयार हो रहे हैं? हाँ, जैसे ना जैसे आपको ना बड़े बैग से मिलेंगे, मतलब कुछ अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, तो स्टाइल से ये कुछ अलग स्टाइल हैं, ये कुछ अलग स्टाइल हैं, आगे कुछ अलग स्टाइल हैं। अच्छा। ये उसे होता है, जैसे ये हमारे कैनवस में बैग हैं, इसमें लेदर बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग, लेदर यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, ये लेदर का पूरा नहीं है? नहीं, लेदर नहीं, ये कैनवस, ये कैनवस बैग है, ये कपड़े का बैग बना हुआ है टोटल। ये बैग अभी मेकिंग प्रोसेस में, ये बैग अभी बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि अगर कैनवस का बैग बन रहा तो वो अलग लोग ही करेंगे या अलग? नहीं, ये सब बना सकते हैं, ये लोग सब लोग सब बना सकते हैं। अच्छा। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है सब ये ठेके यही कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं हमारे यहाँ। इसके बाद का फिर क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद का प्रोसेस है फिनिशिंग का, यहाँ से जो जाते हैं फिनिशिंग जाते हैं बैग, वहाँ फिनिश होते हैं, फिर पैकिंग होती है, देन शिपमेंट जाती है। अच्छा, तो इसके बाद हम फिनिशिंग वाला प्रोसेस देखेंगे? हाँ, इस फिनिशिंग वाला प्रोसेस देखेंगे। मेरे पास जो माल आया कटिंग से, जो भी आपको बताया था, इसके बाद स्काइविंग से हो गया, स्काइविंग होने यहाँ पे पैनल बाई पैनल ज्वाइनिंग हुआ, जैसे ये ज्वाइंट किया, ये ज्वाइंट करने के बाद अपना फाइनल पैनल तैयार करेंगे, इस तरीके से ज्वाइंट कर रहे हैं। इसके बाद पीस बन गया, बनने के बाद भी ये जो है ना धागा जलता है इसका,
धागा जलने के बाद फिनिशिंग होगा, इसके बाद इसका कलर होगा, तब इसका पैकिंग चेकिंग होगा, इसके बाद माल पैक होगा। अच्छा हाँ, तो इसके बाद का प्रोसेस है फिनिशिंग वाला। इसके इस कारीगर जो हो रहा है, जो मेरे पास बंदे काम करने के बाद जो काम पीस तैयार कर देते हैं, इसके बाद फिनिशिंग में जाएगा। जो चौक लगता है, जो धागा रहता है, साफ बिल्कुल होने के बावजूद फिर इसका पैकिंग भी जाता है, चेकिंग भी जाएगा, चेकिंग के बाद पैकिंग होगा। The mind behind producing these awesome designer bags is Mrs. Shalini Chaudhary, a fashion designer who was passionate enough to fulfill her dream of starting a business of producing the best quality leather handbags. एक छोटे कमरे से काम की शुरुआत करते हुए अब एक कंपनी की ओनर शालिनी हमारे साथ हैं, जो अपना सफ़र हमें बताएंगी। शालिनी, वेलकम टू बीइंग घुमक्कड़। आप एक कंपनी के ओनर हो, आप फैक्ट्री रन कर रहे हो, ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आपका इधर बैग्स बनाने में? एक्चुअली मैंने 10th के बाद, जैसे सबको होता है कि अब क्या करना है, तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही फैशन के लाइन में ज़्यादा था, मतलब बचपन से। तो मैंने उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग करी देहरादून से। अच्छा। ONGC पॉलीटेक्निक है देहरादून का, वहाँ से करी। उसके बाद मैं जब दिल्ली शिफ्ट हुई तो मुझे समझ में नहीं आया फैशन डिज़ाइनिंग तो करी, अब किस उसमें किस लाइन में जाना है। तो मैंने 2-3 कंपनी ज्वाइन करी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया अब गारमेंट्स में जाना है या एसेसरी में जाना है। तो मैंने वो जॉब छोड़ के एक एजेंसी ज्वाइन करी जो लोग ट्रेडिंग करते थे। तो उनसे मैंने सीखा कि स्कार्फ्स कैसे करते हैं, ज्वेलरी कैसे करते हैं, बैग्स कैसे करते हैं, गारमेंट्स कैसे करते हैं। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट लेदर की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ, तो मैंने लेदर लाइन में सोचा कि अब मेरे को इसमें काम करना है, तो मैंने वो उस डिपार्टमेंट को चूज़ करा। तो मैंने जब बैग्स बनाने लगे, हम लोग वहाँ पे अपने खुद के डिज़ाइंस बनाते थे, तो हम यूरोपियन और USA के क्लाइंट को ज़्यादा डिज़ाइंस उनके लिए डेवलप करते थे। जब उनको हमारे डिज़ाइंस पसंद आने लगे तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना खुद का स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके अपना खुद का एक्सपोर्ट हाउस शुरू करा। तो शुरू में हम लोग ट्रेडिंग करते थे, उसके बाद जब हमने कहा कि अब ट्रेडिंग मार्केट इतनी डेवलप नहीं हो रही है, फिर हम लोगों ने अपना एक छोटा सा कमरा लेके अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग। तो कितना स्ट्रगल देखा आपने ये काम स्टार्ट करते टाइम? स्टार्टिंग स्ट्रगल अगर आपका हो तो हम 3-3, 4-4 दिन तक सोते नहीं थे। जब हमारी शिपमेंट्स जानी होती थी तो हम लोग दिन रात काम करते रहते थे, और जब शिपमेंट जाती थी फिर हम 2-3 दिन का ब्रेक लेके फिर से स्टार्ट हो जाते थे। तो स्ट्रगल तो बहुत है इस लाइन में। तो शिपमेंट जाने के बाद की वो खुशी अलग ही होती होगी? जी, 2-3 दिन तक हम सोते थे फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता था, फिर दोबारा से काम में लग जाता। तो कितना टाइम हो गया शालिनी ये स्टार्ट करते हुए काम? हमने 2009 में स्टार्ट करा था, तो 10-11 साल। 10-11 साल हो गया जी काम करते। आप और आपके हस्बैंड दोनों साथ में अभी इसमें काम कर रहे हो? सो ही वाज आल्सो इनटू फैशन डिज़ाइनिंग या वो कुछ और? नहीं, वो IT डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। तो वो इस उनका डिज़ाइनिंग से कोई कुछ नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप किया। एक्चुअली थोड़ा सा IT का ये है कि क्लाइंट्स को कैसे प्रेजेंटेशन देनी, ये सब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी शुरू में, मेरे डिज़ाइंस को प्रेजेंट कैसे करना है उनके आगे, फिर उनसे क्लाइंट से इंट्रैक्शन वगैरह सब वो करते थे, और मैं डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करती थी। तो यहाँ पे आपके यहाँ जो बैग्स डिज़ाइन होते हैं हैंडबैग्स, तो उसकी डिज़ाइनिंग फिर आप ही करते हो या फिर वो कहीं और से आप करवाते हैं? नहीं, इनिशियली तो मैं ही सारे डिज़ाइंस बनाती हूँ, फिर मैं क्लाइंट्स को दिखाती हूँ। अच्छा। फिर उसमें वो कुछ चेंजेस अपने हिसाब से करके फिर हमें डेवलपमेंट के लिए देते हैं। तो लेदर हैंडबैग्स के अलावा किसी और चीज़ में कोई और वेंचर, कोई और प्रोजेक्ट, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है? बैग्स के अलावा हम लोग वॉलेट्स करते हैं, लेदर की बेल्ट्स करते हैं, जैकेट्स करते हैं। अब हम लोग थोड़ा होम फर्निशिंग की तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं जो आजकल ये एनवायरनमेंट को लेके बहुत सब लोग एक तरीके से एक लोगों में एक रुझ हाँ कि कैसे एनवायरनमेंट को सेव करें, कैसे प्रोडक्ट्स बनाएं। तो हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे जूट है और सस्टेनेबल फैब्रिक्स हैं, इनकी तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग होम फर्निशिंग की तरफ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो उसमें ऑर्डर्स आ रहे हैं या फिर अभी टाइम है वो स्टार्ट करने में? नहीं, ऑलरेडी ऑर्डर्स आने लगे। हाँ। तो
सप्लाई आपकी कहाँ कहाँ होती है फिर शालिनी, यहाँ इंडिया में या बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो? हम लोग अभी तो फिलहाल यूरोप में और यूएसए सप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में हमने एक ब्रांड स्टार्ट करा है न्यूयॉर्क हेरिटेज, जो कि सेंटर दिल्ली में हम लोगों ने एक मॉल में स्टोर डाला, तो लोगों को बहुत अच्छे लगे हमारे बैग्स, क्योंकि इंडिया और यूरोप के डिज़ाइन में बहुत अंतर है, और तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑथेंटिक और थोड़ा सा विंटेज लुक के बैग्स कम मिलते हैं, तो हमने यहाँ स्टोर डाला है जो कि अब धीरे धीरे काफ़ी अच्छा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये सिलाई मशीन, इसकी कोई कहानी है शालिनी? ये एक्चुअली हमने जब अपना छोटे से रूम से स्टार्ट करने की सोचा तो ये हमारी फर्स्ट मशीन है। अच्छा। जो कि हमेशा हम अपने साथ ही रखते हैं, तो ये फर्स्ट मशीन जी, तो ये इससे हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि हमारी पहली मशीन थी, तो ये हाँ इस वजह से यहाँ पे जगह, इसने खास जगह अपनी बनाई हुई है इस मशीन ने अभी तक। आफ्टर द एंटायर प्रोसीजर ऑफ बैग मेकिंग, बैग्स इस डिपार्टमेंट में फाइनल स्टेज पे आते हैं। ये है फिनिशिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं काम चल रहा है। यहाँ पे कुछ भी अगर बैग में डिफेक्ट है, अगर कलर मिसमैच है या कोई भी छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे चेक होते हैं फाइनल स्टेज पे, और फिर इनमें लेबलिंग की जाती है, यानी कि ब्रांड नेम्स लगाए जाते हैं, और फिर वो बैग आगे डिस्पैच हो जाते हैं। तो ये आपने इस वीडियो में देखा पूरा प्रोसीजर बैग मेकिंग का, लेदर हैंडबैग्स फैक्ट्री में कैसे तैयार हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल बीइंग घुमक्कड़ को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बीइंग घुमक्कड़।